जहीराबाद के गुलशन नगर कॉलोनी के लोगों ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि पक्की सड़कें नहीं होने के कारण मोहल्ले में बुनियादी सुविधा नहीं है। सड़कों पर गंदा पानी जमा हो रहा है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। टाउन प्लानिंग ऑफिसर नगर पालिका जहीराबाद ने गंदे पानी की निकासी के लिए नालों के निर्माण के लिए लेआउट बनाए। गंदे पानी की निकासी न होने से नालियों का पानी खुले स्थानों पर जमा हो गया है जिससे बीमारियां फैलने का खतरा है। बारिश के कारण कच्ची सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, लोगों को चलने में काफी परेशानी हो रही है। विधानसभा सदस्य माणिक राव से इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की पुरजोर मांग की गई है। इसके अलावा आवारा कुत्तों के कारण भी लोग दहशत में हैं। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त को कई बार याद दिलाया गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता स्थानीय लोगों में इमदादुद्दीन, अब्दुल हमीद और अन्य शामिल थे। आइए देखते हैं जहीराबाद से ये रिपोर्ट। ऐसा टी है, वैसा भी टी है रोड। ये देखो भैया, ये रोड पे से कैसा चलना, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। ये रोड देखो कैसा है, पूरा नाला है, एक एक फ्लैट है, ये पूरा फिर रोड है वहाँ तक। और रोड ये एल है, एल है। आप जरा आगे भी जाओ ना, देखो ये लंबा ये सिर्फ वैसा तो नाले बने तो अपने ये भी यूज में होता बोलो। हां नाले बने तो ये गली है। मैं गुलशन नगर में रहता हूँ। ये गली में बहुत सारी तकलीफें हैं, एक एक गिनने बैठो तो बहुत है, लेकिन मेन दो है इसमें, एक नालियाँ हैं, एक रोडा हैं, और जो है ना कुत्ते जो है ना बच्चों को तबाह कर दिए पूरा। हर तरफ रात होती है खाली कुत्ते, किधर बधर खाली कुत्ते कुत्ते दिख रहे हैं खाली। हम हर बार कंप्लेंट करें कमिश्नर को, कमिश्नर करे, AI को करे, सबको करे, खाली बोल रहे आ रहे, कर रहे, जा रहे, आ रहे, कोई आके इसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हमारे को। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आखिर गवर्नमेंट करती नहीं करती? नहीं तो कमिश्नर ऑफिस के सामने बोल दो कि हम भी को से भी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे पास आओ नको, हमारे को पूछो नको, हमारे को बोलो नको, तो हम क्या है आपके पास जाते नहीं, हमारे को जो करना है हम वो करते। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान देना चाह रहे, गवर्नमेंट को नुकसान देना चाह रहे वो तो आप कर सकते। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे, देख रहे ना, मेमोरेंडम दिए, सब दिए, फिर भी हमारी तकलीफ कोई भी नहीं सुन रहा, तो अब क्या करना इसका सोल्यूशन? ना कमिश्नर साइड पर आता, ना AI साइड पर आता, ना PCI साइड पर आता। हमारे टाउन, हमारे एरिया का लेआउट भी नहीं है किसी के पास भी, जो नालियाँ बनेंगे बोले तो। अब हमारे हिसाब से हम गड़े काम होने वाले, गड़े खोद दे रहे हैं, नालियाँ मुझ दे रहे हैं, उससे बात नहीं होती। वो हर किसी को तकलीफ होती, आज हमारे को ही कल दूसरे को होती। इसका परमानेंट सोल्यूशन होना हमारे को, ये क्या है टेम्पररी सोल्यूशन है, हमारे को क्या होना परमानेंट सोल्यूशन होना। मानिक राव साहब खाली बातें बोलते, खाली हम ये कर देते, हम वो कर देते, क्या करते मानिक राव साहब? खाली बातें क्या है मानिक राव साहब? हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे गलियों में नालियाँ होना ज़रूरी है। और जो है ना कुत्तों का एक बहुत बड़ा खौफ हो गया बच्चों को, परसों ही 4-5 जनों को बच्चों को काटे, क्या करना उनका? तो रिक्वेस्ट है हमारी कि जो है हमारे गली को आए, देखो खाली वोटा लेने हैं तो नहीं होता, खाली वोटा के टाइम आते हैं, खाली वोट दियो, नमस्ते नमस्ते करते हैं, लेते चले आते, वो नहीं होता भाई। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप हमारे गली में आओ, हमारे गली में देखो क्या हाल है, क्या हम चुप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारी तकलीफ कैसी हो रही, देखो देख के हमारा भी थोड़ा हल करो भाई। वोट डाले हम अट्टी कुत्तों का लिए था, बेकार रखो करो हमारे वोटा को। यही हमारी एक आखिरी गुजारिश है कि हमारा गली में हर एक सुविधा हो। सुविधा यानी कि पूरे नहीं पूछ रहे हम, खाली रोड नाली कुत्तों का डर नहीं होना बता रहे। और ये देखो, और अब इधर बताओ, ये छोटो ये खरीद के डाल रहे हैं पैसे, यहाँ मट्टियाँ 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार डाल के यहाँ डाले, हर जगह मट्टी हम डाले ना, गवर्नमेंट क्या करती फिर? टैक्स लगे पूछ रहे हैं उन लोगों हमारे घर को आके, हर जगह आता टैक्स पूछता ले जाता, टैक्स भर रहे क्या हमारे भरे से, टैक्स काट रहे क्या, पैसे कहाँ जा रहे टैक्स के पूरे? ये बात ये जो है ना, जो दादागिरी कर रहे हैं खाली म्युनसिपैलिटी वाले, खाली टैक्स ले रहे हैं चल जा रहे, लेकिन पैसे नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे एक रुपये का भी। हमारे को रोडा होना, नालियाँ होना, और जो है ना कुत्तों का बहुत खौफ है गली में, वो हो जाना।